पल्सर 150 फेडेड डिस्प्ले, ये हमने किया इसका डिस्प्ले रिपेयर, इसको डाला डार्क थीम में डिस्प्ले रिपेयर करने के बाद, और फिर किया हमने कलर मॉडिफिकेशन। सो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। ये मीटर हमारे पास आया है जम्मू एंड कश्मीर से, अखनूर जगह है एक वहाँ पे, वहाँ से। तो इसको ओपन करते हैं, पूरी बबल शीट में पैक किया हुआ है मीटर। सबसे पहले हम इसको ओरिजिनल कंडीशन में चला के देखेंगे। ये इसका नेगेटिव लगाया हमने, ये की पॉजिटिव और ये डायरेक्ट पॉजिटिव। मीटर ऑन है, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले ब्लर है और कांटा थोड़ा सा गलत जगह रुक रहा है। तो कांटा तो शायद किसी ने मीटर खोल के कुछ करने की कोशिश करी होगी इसमें, जिसकी वजह से कांटे की थोड़ी डायरेक्शन गलत हो गई है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजीली रिपेयर हो जाएगा। ये कांटे को सिर्फ इसको जीरो पे सेट करना होगा और कुछ नहीं। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये मीटर प्रीकॉल का है, मुझे प्रीकॉल कंपनी पसंद नहीं, क्योंकि इसके मीटर कभी भी ख़राब हो जाते हैं, अपने आप से ही ख़राब हो जाते हैं बिना किसी रीज़न के। सो इसको फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। इसके 5 स्क्रू होते हैं ऊपर फ्रंट बॉडी में, 5 के 5 स्क्रू इजीली खुल गए। ज़्यादा पुराने मीटर में ये स्क्रू जो हैं बहुत ज़्यादा रस्टी हो जाते हैं और कभी कभी खोलने के लिए इनको हीट भी करना पड़ता है। तो देख सकते हैं सिर्फ डिस्प्ले ब्लर है, बाकी सब कुछ ओके है। कांटा जैसा कि मैंने बताया था इजीली ज़ीरो पे आ जाएगा, वो मैंने करके दिखा दिया अभी आपको। अब इसके 5 स्क्रू अंदर होते हैं जो कि बोन बॉडी को बैक कवर से टाइट करके रखते हैं, जिसकी वजह से मीटर हिलता नहीं है अंदर। ये हमने मीटर निकाल लिया है बाहर। एक बार और मैं इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए नेगेटिव, ये डायरेक्ट पॉजिटिव और ये की पॉजिटिव। बटन बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो बटन का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा काम बच गया मेरा, क्योंकि बटन का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता हूँ मैं, और बटन कभी भी कोई भी मीटर आता है उसका साथ में मैं रिपेयर करके देता हूँ। तो अभी डिस्प्ले निकाल लेते हैं। डिस्प्ले निकालने का वही सिंपल सा प्रोसेस, आपको सोल्डर पूरा अच्छे से तरीके से रिमूव करना है, सभी पिनों को डिसोल्ड करना है, सभी पिनों को फ्री करना है, और डिस्प्ले इजीली बाहर आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से फ्रेंडली नहीं हैं, या आपको सोल्डरिंग आयरन सोल्डर के साथ अगर आप फ्रेंडली नहीं हैं, तो प्लीज़ डिस्प्ले खुद से निकालने के चक्कर में तोड़ मत लीजिए। अगर आप इसके प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप ये काम मत कीजिए। सो अब हम इसका डिस्प्ले रिपेयर करेंगे। ये इसकी वो शीट है जो ख़राब हो गई है, और ये शीट के ऊपर से पन्नी उतर गई, नीचे पूरा जो मटेरियल है शीट का वो नीचे रह गया, तो इसको हमें पूरा रिमूव करना पड़ेगा डिस्प्ले से, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको निकाल देता हूँ ताकि आप भी बोर ना हो ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं ग्लू काफ़ी गंदे तरीके से चिपका हुआ रहता है ग्लास के ऊपर। और ये लगभग ग्लू इसमें से निकल चुका है, ग्लू भले ही निकल गया हो, बट मैं इसको एक बार केमिकल से क्लीन ज़रूर करूँगा, ताकि ग्लू का थोड़ा भी कोई भी पार्टिकल्स के ऊपर ना रुके और कोई भी बबल्स ना आए। सो ये रही हमारी इसकी शीट डार्क थीम वाली। तो ये हम इसके ऊपर अभी फिक्स करने वाले हैं। ये हो गई इसकी डार्क शीट इसके ऊपर फिक्स। इसकी प्रोटेक्शन लेयर ये उतर गई,
और ये बिल्कुल ब्लैक हो गई है अभी डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले को हम लगा के रख देते हैं। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी डिस्प्ले में, डिस्प्ले का हमारा काम हो गया है। पर ये देखो प्री कॉल के मीटर क्यों पसंद नहीं। अभी देखो ये जो इसकी पीछे की शीट है, मैं कितनी बार इसको सेट करता हूँ। ये देखिए सेट हो गई, नीचे रखा हिल गई, सेट हो गई ठीक है, नीचे रखा फिर हिल गई क्या? इसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता इस टाइप से, तो इसलिए मैंने इसको बिना नीचे रखे ही पहले डिस्प्ले इसमें फिट कर दिया। सो अभी हम डिस्प्ले को एक बार टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले डिस्प्ले के पीने लगने में काफ़ी दिक्कत करता है, ग्लू हटा लिया हमने। अभी हम इसकी डिस्प्ले को बोर्ड के अंदर लगा के और एक बार ट्रायल देखेंगे इसका कि किस टाइप से अभी डिस्प्ले का ग्लो आ रहा है ओरिजिनल लाइट पे। इसकी जो ओरिजिनल लाइट है वो ऑरेंज रहती है। तो सारी पीने अच्छे से अंदर चली जाए इस चीज़ का ध्यान रखना है। की पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। देख सकते हैं विजिबिलिटी काफ़ी सही है। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, अभी डिस्प्ले की कोई भी पिन सोल्डिंग नहीं करी है, क्योंकि नहीं तो मुझे वापस निकालनी पड़ती। सो डिस्प्ले हमारी बिल्कुल ओके तरीके से रिपेयर हो चुकी है। अभी बारी आती है लाइटें चेंज करने की। तो लाइट में देख सकते हैं ये सब ऑरेंज लाइट हैं और लेफ्ट साइड में रेड लाइट है। आयरन को कर लीजिए 370 डिग्री पे और इसकी हेल्प से आप एक काम कर सकते हैं, आप एक तरफ का शोल्डर हीट कीजिए और तुरंत दूसरी तरफ उसको सोल्डरिंग ले जाइए, ताकि एक तरफ का जो है वो ड्राई होने से पहले पहले आप दूसरी तरफ को हीट कीजिए, आपकी एलईडी बाहर आ जाएगी। अगर आपको एलईडी सेफली उतारनी है तो, अगर आप इस एलईडी को यूज़ करना चाहते हैं तो, बट मैं कभी ये लाइट यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा नई लाइटें यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही निकाल दिया, आधी टूटी आधी निकली, बाकी जो टूटी वो भी कचरे में, जो नहीं टूटी वो भी कचरे में। क्लीन कर लेते हैं एक बार अच्छे से इसको, क्योंकि जब भी ये लाइट निकालते हैं तो काफ़ी गंदा पेस्ट नीचे रह जाता है। और अभी आ जाते हैं आरपीएम की लाइट पे, तो ये भी हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ही होगा छोटा सा क्लिक कैसा हुआ है मॉडिफिकेशन के बाद। सो अभी ले चलते हैं सीधे आपको उस वाले पॉइंट पे, ठीक है। रेड एलिन मुझे पसंद है इसलिए मैं रख लेता हूँ। सो आ जाते हैं अपने आफ्टर मॉडिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स इंतज़ार हुआ ख़त्म देखने के लिए कि कैसा हुआ है मॉडिफिकेशन। ये क्या हमने की ऑन और देख सकते हैं कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है। इसमें हमने स्टार्टिंग में 0 to 4 लगाया है ग्रीन, 4 to 8 लगाया है, मतलब 4 to 9 लगाया है हमने इसमें ब्लू, और 9 के आगे 11, 12 हमने लगाया इसमें रेड, और डिस्प्ले को हमने डार्क थीम में किया है, पीछे वाइट लाइट डाली है। सो ये देखिए स्पीड आरपीएम सब कुछ कितना सुंदर से काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मीटर का बिल्कुल लुक चेंज हो गया है। सो फ्रेंड्स अगर आप भी मुझसे आपका मीटर कुछ रिपेयर कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपके मीटर का एक वीडियो बनाइए चाबी ऑन ऑफ करते टाइम, और वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर भेज के याद से ज़रूर कॉल कीजिए। अगर कॉल नहीं करेंगे तो मैं आपका जो वीडियो है वो नहीं देख पाऊँगा। तो ये हो रहा है अभी मीटर फिट, इसका ऊपर का फाइनल स्टिकर है, और अभी ये बस हमें इसका एक टॉप कवर लगाना है और मीटर कम्प्लीटली रेडी हो गया है। इसका हमने टॉप कवर भी नया डाल दिया है,
क्योंकि कस्टमर को ये पूरा मीटर बिल्कुल नया जैसा बनाना है। सो ये हमने इसका स्टिकर डाल दिया और ये डल गया हमारा इसका कवर। मीटर बिल्कुल परफेक्टली ओके हो चुका है। सॉरी फ्रेंड्स, ये कवर तो इसका ओरिजिनल है, मैंने दूसरे मीटर में डाला था, मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने इसी में बोल दिया। सॉरी, ये इसका ओरिजिनल कवर है, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन मीटर आया था। इससे पहले वाले मीटर में नया कवर डाला था तो उसके लिए सॉरी। सो ये रहे इसके 5 स्क्रू, तो 5 के 5 मैं इसमें लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस टाइप की वीडियो और देखना चाहते हैं या आप कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ लाइटें, क्योंकि जो उसमें आरपीएम में जो ये 3-4 कलर की लाइटें अभी जो मैं लगाने लगा हूँ, इसका रीज़न भी यही है कि किसी मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे एडवाइस दी थी कि आप इस तरीके से कस्टमर को एडवाइस दीजिए और अगर वो मान जाता है, सजेस्ट कीजिए आप उसको ऐसे कलर के लिए, और वो मान जाता है तो आप करके दिखाइए। सो यही है वो रीज़न कि मैंने ये लाइटें इसमें लगानी शुरू की और कस्टमर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लोगों को काफ़ी पसंद आई। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हमेशा ऑन करके रखिए और मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट में जो भी आपकी राय है आप मुझे भेज सकते हैं। सो मीटर हो गया बिल्कुल ओके। देख सकते हैं नाइट लाइट में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।